Assalamu alaikum students, welcome to part 2 of chapter number 10 here. In this video, we will be reading, continuing with the reading of the chapter and understand it. Let's move. Properties of air. Air takes up space. Air can be filled in footballs, tires, pillows and swimming tubes. इससे पहले we had discussed that air is invisible. However, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से एक होती है दैट इट टेक्स अप स्पेस. सो फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल में हवा भरेंगे सो उस वो पूरी स्वेल हो जाएगी, सही है. सो एयर दिस टेल्स अस कि एयर जगह लेती है, एयर नीड सम स्पेस टू स्टे, राइट. सेम गोज फॉर स्विमिंग ट्यूब्स या इवन लाइफ जैकेट्स, उनके अंदर आप एयर भरते हैं तो उससे वो they blow up. So how does that happen? Because air takes up space in them, right? Even if you even in a balloon. So here's an activity. Take a balloon, blow air into it. You will see that as more and more air gets filled in the balloon, its size becomes bigger and bigger. This shows that air occupies space. Now this is something जो कि आपको अगर घर पे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कि अगर आप बलून में जैसे जैसे मुंह से हवा भरते जाएंगे तो वो बड़ा होता जाता है. How is it becoming bigger? Because उसके अंदर air fill होती जा रही है, which shows that air has space. Air takes up space, right? Air has weight. So how do we figure out कि air का weight भी होता है. Like अभी तो हम अपने चार्ज में फेयर देखते हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल weight नहीं है, but it does have weight. How do we figure that out? So here's an activity. Take two balloons and inflate them. Attach a piece of string to each balloon. Then attach the other end of each string to the two ends of a ruler. Tie a third string in the middle of the ruler and hang it. Now puncture one of the balloons with the help of a pencil. The end of the ruler with the inflated balloon will go down, showing air has mass. Now, यहाँ पर आपको क्या करना है? This is an activity that you can do at home, but वैसे let me just explain कि इससे हमें पता क्या चलता है. So basically, अगर आप दो balloons लें और उनको फुलाएं और दोनों को एक स्केल के एक को एक स्केल के एक एंड पे टाई कर दें और दूसरे को स्केल के दूसरे एंड पे, एंड देन उसको आप बीच में से एक स्ट्रिंग के थ्रू पकड़ लें. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर एक बलून है और यहाँ पर एक बलून है, एंड बोथ ऑफ द बलून्स आर बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एयर, तो दोनों जो हैं वो आपका जो स्केल है वो भी सीधा है और दोनों बोथ आर हैंगिंग. बट वॉट यू डू इज कि अगर आप इनमें से एक को पंक्चर कर दें या एक बलून को बर्स्ट कर दें तो क्या होगा, एंड इफ यू यू नो हैंग द स्केल तो जिस साइड पर बलून में एयर होगी उस साइड वो साइड नीचे चली जाएगी और जिस साइड में बलून को हमने पंक्चर कर दिया और उसमें से एयर निकाल दिया है वो साइड ऊपर चली जाएगी. विच शोज के अगर ये नीचे आ गई तो इसका मतलब है कि एयर कोई वजन है ना जिसकी वजह से नीचे आई है. सो वो किस चीज़ का वजन है, क्योंकि दोनों सेम बलून्स है बट वजन सिर्फ एयर का है, राइट. सो दिस टेल्स अस दैट एयर हैज वेट, ठीक है. ओके, वील मूव ऑन. स्पीड ऑफ मूविंग एयर. Air moves at different speeds. When air moves gently, it is called breeze. A fan moving at a low speed gives a gentle breeze. Okay, so air जो है वो different speeds पे move करती है, कभी बहुत तेज कभी बहुत हल्के. अगर slowly move कर रही हो, ठीक है, and तो it is called a breeze. तो जैसे हल्का सा अगर आप पंखा चला के उसके सामने खड़े होंगे तो आपका हल्का हल्का सा आपके ऊपर हवा आ रही होगी, इट वोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, सो दैट इज कॉल्ड अ ब्रीज, ठीक है, सॉफ्ट जेंटल विंड. When air moves fast, it is called wind. The wind makes dust, bits of paper and dry leaves fly. Then अगर उससे थोड़ा तेज अगर हवा चलने लगेगी, इतनी तेज कि अगर कोई कचरा जैसे पेपर या थैली या फिर कुछ इस तरीके से पड़ा है तो उड़ने लग जाएगा, इवन डस्ट या मिट्टी धूल मिट्टी उड़ने लग जाती है. सो दैट इज कॉल्ड विंड, ठीक है. दिस इज फास्टर देन ब्रीज बट स्टिल कंपेरेटिवली स्लोअर देन स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है? A very strong wind is called a storm. It makes doors and windows bang loudly. Tin roofs and other heavy objects fly around. We should stay safely inside the house during a storm.
स्टॉर्म क्या होता है, विंड तो आपकी तेज हवा हो गई से, स्टॉर्म तब आता है जब आपके खिड़की दरवाजे जो हैं वो खुल बंद होने लगे हैं तेज हवा की वजह से। अक्सर बारिशों के टाइम पर ऐसा हो रहा होता है कि इतनी तेज हवा चलने लगती है कि आपके खिड़की दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं। कुछ अगर टिन की छत है या कुछ इस टाइप का है तो वो उड़ जाता है, या कोई और थोड़े भारी भारी, अक्सर दरख्त तो उखड़ जाते हैं और भारी भारी चीजें जो हैं वो उड़ने लगती हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। सो दैट इज व्हेन डज दैट हैपन, जब स्टॉर्म होता है, ठीक है। तो विंड अगर बहुत तेज चलने लगे तो दैट इज अ स्टॉर्म, एंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म हमें हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए ताकि वी आर सेफ। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग्स, स्टॉर्म्स एट सी कैन सिंक शिप्स। अगर समंदर के अंदर स्टॉर्म आता है, ठीक है, तो अगर समंदर के पास बहुत तेज हवा चलने लगती है तो सिंक शिप्स भी सिंक कर जाती हैं क्योंकि वो उतनी तेज हवा ले नहीं पाती। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 74, विंड कैन मूव थिंग्स। विंड कैरीज स्मॉल सीड्स एंड न्यू प्लेस टू न्यू प्लेसेस। सो विंड की वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे से जो सीड्स होते हैं, आपने कुछ देखे भी होंगे, वो बिल्कुल उनके विंग्स, वो अक्सर स्प्रिंग में जो है वो स्मॉल सीड्स वो इधर से उधर कैरी हो जाते हैं बिकॉज वो हवा में उड़े होते हैं, पॉलन कैरी हो रहा होता है क्योंकि वो हवा में उड़ रहा होता है। सो दोज आर सीड्स, राइट। तो विंड की वजह से स्मॉल सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। विंड मूव सेल बोट्स ऑन वाटर। जो सेल बोट्स होती हैं जिन पर ये, यू कैन सी दिस इज अ सेल, ये सेल बोट्स कैसे चलती हैं, विंड के थ्रू, कि इस सेल में हवा जाती है तो ये बोट को आगे लेकर जाती है, सही है। सो विंड कैन मूव सेल बोट। नेक्स्ट, विंड मेक्स क्लाउड्स मूव। तो जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो अक्सर आपने अगर आसमान में नोटिस करा हो सो वो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। हाउ आर दे गोइंग, बिकॉज विंड इज पुशिंग देम। विंड पुशेज द वाटर इन द रिवर्स एंड सीज एंड कॉजेज वेव्स। विंड की वजह से ही वेव्स वगैरह जो हम देखते हैं, अक्सर लहरें आ रही होती हैं बहुत तेज तेज, वो उसकी एक मेजर वजह क्या होती है कि विंड इतनी तेज चल रही होती है कि इट इज पुशिंग द वाटर। विंड मेक्स द फैन ऑफ अ विंड मिल मूव। यू मस्ट हैव सीन विंड मिल, बहुत बड़ी बड़ी सी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन पे बड़े से पंखे लगे होते हैं, तो वो फैन जो विंड मिल का होता है वो मूवी विंड की वजह से कर रहा होता है। अ विंड मिल कैन पंप वाटर, ग्राइंड ग्रेन्स और मेक इलेक्ट्रिसिटी। और इस विंड मिल्स की वजह से जब इसका फैन चलता है तो ऐसे तो उसकी वजह से यू कैन पंप वाटर, यू कैन इवन मेक इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली भी इनसे बन सकती है। तो विंड इज वेरी यूजफुल एंड कैन मूव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, दैट एंड्स आवर चैप्टर। वी विल डू द वर्क, बुक वर्क एंड द कॉपी वर्क इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ यू शुड रीड द चैप्टर अगेन एंड मेक टाइटल पेज ऑफ चैप्टर एयर इन योर साइंस कॉपीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।